ये मेरा थमने होने वाला है हाय गाइस तो आज थर्टी फर्स्ट दिसंबर और कल है फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी में होता है ना न्यू ईयर न्यू मी तो मुझे भी वही करना है तो ये है मेरा 2024 का ग्लो अप और ये ग्लो अप रिलेटेड है मेरे बालों से तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं हेयर कलर करती हूँ तो मैं क्या ब्लीच यूज करती हूँ तो मैं कैसे अपने बाल कलर करती हूँ और इस बार मैं एक नया कलर ट्राई करने वाली हूँ तो मैंने इस, अपने स्नेप पे पूछा था कॉपर और ऑरेंज बेसिकली अभी तुम्हें तो सेम लग रहे होंगे पर दोनों में अंतर है तो ऑरेंज पे गया है वोट सो so, मैंने इससे पहले रेड किया था उसमें मैंने ब्लीच नहीं यूज की थी और अब मैं करने वाली ऑरेंज और इसमें भी मैं ब्लीच नहीं यूज कर रही हूँ मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे अपने बाल बिना ब्लीच के करती हूँ क्योंकि बिना ब्लीच के इतना ईजी नहीं होता डिफरेंट कलर लेना लाइक ब्राउन आ जाएगा ब्लैक आ जाएगा लेकिन रेड कलर और ऑरेंज कलर कैसे आ सकता है बिना ब्लीच के तो ये वीडियो देख लेना आपको पता चल जाएगा तो ये है मेरे वर्जिन हेयर जो कि यहाँ तक है वर्जिन हेयर पे बहुत इजीली कोई भी कलर लिफ्ट कर देता है क्योंकि वहाँ पे कोई कलर नहीं होता बट ये जो मेरे बाल है इन पे ऑलरेडी काफी कलर जा चुके हैं लाइक ब्राउन एंड उसके बाद रेड एंड उसके बाद एक और बार बॉक्स डाई रेड और इस बार ऑरेंज तो इसमें थोड़ी गड़बड़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है क्योंकि कलर डज नॉट लिफ्ट कलर वाला सीन होता है लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कलर मेरा फेड आउट हो चुका है तो अब ये थोड़े ब्राउनिश बचे हुए हैं और कहीं कहीं पे तो पूरा ही उड़ चुका है तो लेट्स सी की ये कलर आता है या नहीं आता तो मैं अभी यूज कर रही हूँ ये मुझे यही मिला ऑरेंज में बहुत ही कम मुझे ऑरेंज मिल रहे थे आई डोंट नो इतना ब्राइट तो नहीं चाहिए बट मुझे यही कलर चाहिए मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी यू गाइस स्किन चेक अगर इसने काम किया तो जो कि मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ और मुझे यही कलर चाहिए था और ये कलर मुझे मिल नहीं रहा था तो इससे पहले जो मैंने कलर यूज किया था मैं उसको भी लिंक डाल दूंगी अगर आपको रेड करना है तो आपका रेड भी हो जाएगा अगर आपके वर्जन हेयर है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप ब्लैक बॉक्स डाई यूज करते हो तो उसके बाद आपके बालों पे कलर नहीं आएगा उसके लिए आपको ब्लीच की जरूरत पड़ेगी लास्ट टाइम जब मैंने कलर किया था मेरे पास कलर की क्वांटिटी बहुत कम थी बट इस बार मैं अच्छे से मंगा चुकी हूँ इस बार मेरे बाल भी कम है तो होप सो हो जाना चाहिए आई रियली वॉन्ट की ये कलर हो जाए क्योंकि मुझे चाहिए न्यू ईयर न्यू मी मेरे पास आइसक्रीम का डब्बा ही है हमेशा की तरह आई डोंट हैव ग्लव्स एंड उसके साथ साथ मेरे पास कलर करने के लिए कॉम्ब भी नहीं है तो मैं हाथी यूज करने वाली हूँ वैसे कलर उतर जाता है इसके अंदर है ये कलर और ये है डेवलपर ये कौन सा है इस पे कुछ लिखा ही नहीं टेन है ट्वेंटी है थर्टी है कुछ नहीं लिखा तो मैं पहले डेवलपर डाल रही हूँ एंड मैंने कुछ नई चीजें भी सीखी हैं वो मैं इसमें ट्राई करूंगी इट्स टाइम फॉर द कलर ओह माय गॉड मुझे चोट लग गई ये प्रैंक था <laughs> तो ये रहा मेरा पूरा कलर इसको अच्छे से मिक्स करती हूं मैं सॉरी गाइस ये वीडियो वैसी नहीं होगी एस्थेटिकली जैसी आप सोच रहे होंगे क्योंकि ये मेरी वीडियो है मेरी वीडियो ऐसी होंगी चम्मच ऐसा लग रहा है आइसक्रीम खाने जा रही हूं आ, आ, क्या ऑरेंज वाला है मेरे बाल मुझे ऑरेंज नहीं चाहिए ये तो हो गया बट मैं इसमें और एक और एक ऐड करने वाली हूं क्योंकि मुझे कम नहीं चाहिए मुझे अच्छे से बालों में चाहिए इस बार इसमें मैं अपना कंडीशनर डाल चुकी हूँ क्योंकि वो बालों को थोड़ा स्मूथ रखेगा और इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी तो कंडीशनर आप ऐड कर सकते हो अपने किसी भी कलर में सीरियसली <laughs> मुझे लग रहा है मैं कुछ गड़बड़ करने वाली हूँ पैच तो पक्का रहेगा और यहाँ मेरे साथ हुआ एक धोखा और मेरा माइक हो चुका है बंद और मैं बोले जा रही हूँ बोले जा रही हूँ तो मैं फर्स्ट ट्राई करने वाली हूँ इस कलर को थोड़ी सी नर्वस हूँ कि क्या ये कलर आएगा मेरे बालों पे क्योंकि मेरे बाल बिल्कुल ब्लैक हैं लाइक ब्लैक है ऊपर के और नीचे के तो आप देख ही सकते हो सतरंगी हैं सो ये हाथ पे तो बहुत ज्यादा कलर दे रहा है बट क्या ये मेरे पूरे बालों पे लग सकता है मैं भी थोड़ी हूँ उसमें डेलिमा में कि यार ज्यादा भी कलर नहीं लगाना और कभी कम पड़ गया तो ये मेरे को बहुत दर्द दिया जब मैंने देखा मेरे इतने बाल चढ़ रहे हैं मतलब ये शॉकिंग था एंड गाइस मैंने थोड़ी सी कंजूसी की है मुझे लगा आगे के बाल के लिए ज्यादा बचा लेती हूँ पीछे के बालों में चलो कोई बात नहीं पर आगे के अच्छे से होने चाहिए वो होता है ना हमारे इंडियन के अंदर थोड़ा सा कि हाँ, ठीक है सामने के बाल ज़्यादा दिखते हैं पीछे के बाल कम दिखते हैं तो मैंने भी वही कर दिया बुद्धू को तब पता चला जब मैं अपने पूरे बाल कलर कर चुकी हूँ कि तेरा माइक नहीं चल रहा वाह गाइज फाइनली इसमें थोड़ा सा बाकी है और मेरे बाल ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं तो एक चीज की टेंशन नहीं है कि मुझे दोबारा नहीं बनाना दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि ये फाइनली मेरा ये सारे बाल कवर हो गए अब कलर आएगा या नहीं आएगा भगवान भरोसे है सीरियसली मेरे हाथ में जरूर कलर आ चुका है और मेरे बहुत सारे बाल झड़ चुके हैं गंजी ना हो जाऊं बस चीज का डर है मुझे वैसे मेरे बाल इतने खराब हो रहे हैं गंजी हो जाऊं मैं ठीक है मुझे पता है ये कलर कोई आउट ऑफ द बॉक्स था 2016 वाली वाइब्स है इस कलर में बट मुझे ट्राई करना था और मुझे लगता मेरे बालों में इतना ये लाइट होगा क्योंकि यू you नो know, मेरे ऑलरेडी बाल बहुत डार्क है और मैं ब्लीच के बिना कर रही हूँ देखता ब्लीच के बिना ये कैसा कलर देता है ऑरेंज तो, तो नहीं आएगा ब्राउन आएगा आप लोग कमेंट करना आपको क्या लगता है कौन सा कलर आएगा ब्राउन या ऑरेंज कलर इतना कम रह गया था लास्ट टाइम कि मेरे पूरे बाल ही नहीं हो पाए थे स्पेशली ये पीछे के बाल बट लगता है इस बार अच्छे से हुए हैं तो मैं इसको रखूंगी एक्चुअली मैं थर्टी फाइव मिनट्स नहीं रखती हूँ पे लिखा रहता है थर्टी फाइव मिनट्स लेकिन मैं जितना ज्यादा इन्हें रख सकती हूँ उतने ज्यादा दिन तक दिन तक कह टाइम तक रखती हूँ ताकि प्रोसेस अच्छे से हो एंड ये बाल तो यार मैंने इतना इनमें कलर लगाया ड्राई लग रहा है तो इनमें मैं बचा हुआ सब रगड़ दूंगी पता नहीं उम्मीद नहीं लग रही मुझे अब चार पांच घंटे रखूंगी मैं इसको ऑनेस्टली मैं चार पांच घंटे रखूंगी तब पताऊंगी कि कलर आ रहा है या नहीं आ रहा और ये देखो हेयरफॉल हो रहा है हेयर फॉल डेफिनेटली हो रहा और ये हेयर फॉल वाले बाल पूरे ऑरेंज है कैसे दिखाऊं हाथ ही सारे गंदे हो रहे हैं तो हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है गाइस वन थिंग लेफ्ट मैं अपनी आईब्रो भी कलर करने वाली थी तो ओके okay, मैंने कभी आईब्रो अपनी ब्लीच किया पर इस तरह से कलर नहीं किया देखते हैं कहाँ कहाँ जाता है कलर मैं जोकर बनने की प्रक्रिया में पूरी तरह से अपने आप को भागीदार बनाते हुए आईब्रो पे मत ट्राई करना मैंने तो ओ जी भाई मेरे नेल्स सबसे गंदा लगता है नेल्स में कलर आना अब मुझे नेल पेंट लगानी पड़ेगी ये मेरा थंबनेल होने वाला है <laughs> मैं भूत लग रही हूँ लुक एट दिस मेरे हाथ हैना वाले हो रहे हैं कि जैसे मैंने मेहंदी लगाई और आई हेट दिस ये कलर हो जाना बहुत गंदा लगता है मुझे नेल पेंट लगानी पड़ेगी एंड लेट मी चेक कि मेरा तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है आई थिंक मेरे बाल कलर चेंज कर रहे हैं ऐसा मुझे लगता है क्योंकि बहुत ऑरेंज ही दिखाई दे रहे हैं अब इट्स बिन लाइक फोर ओ क्लॉक हो चुके हैं ओ oh शेट मुझे नीचे के बाल काले दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे बाल काले दिख रहे हैं बट यहाँ पे थोड़े चेंजेस तो लग रहे हैं पता नहीं कलर क्या आएगा तो मैं अब जा रही हूँ नहाने के लिए एंड आईब्रो से आईब्रो पे तो लग रहा है यार चेंज साफ साफ दिखाई दे रहा है ये है मेरा हाथ

परफेक्ट नहीं हुआ है बट इतना भी बुरा नहीं लग रहा है मुझे कलर सच बताऊं तो पसंद आ रहा है क्योंकि ये उतना भी ब्राइट नहीं है जितना मैंने सोचा था आप देख सकते हो यहाँ के बाल अभी भी, भी, भी ब्लैक ही है कंप्लीट ब्लैक नहीं है बट ब्लैक है और नीचे के ऑरेंजेस हैं कहीं कहीं के बहुत अच्छे से कलर आया है कहीं कहीं पे इतने अच्छे से कलर नहीं आया है बिना ब्लीच के मेरे बाल काफी अच्छे से कलर हुए हैं और इवन इसमें बच भी गया है भी मेरे पास कलर है अगर मुझे टचअप करना पड़ा तो इतना कलर मेरे पास बाकी है इसको मैं दोबारा यूज कर लूंगी एंड इसका जो प्राइस था वन या वन समथिंग मैं कर दूंगी गाइज यू गाइस कैन चेक और हाँ हेयरफॉल का बताती हूँ जब मैं कलर कर रही थी उस टाइम पे मेरे बाल बहुत ज्यादा निकले थे लेकिन जब मैंने हेयर वॉश किया तो मुझे लगा बहुत झड़ने वाला है बट हेयर वॉश के टाइम पे इतने नहीं झड़े बट जब मैं कॉम्ब कर रही थी और इस कलर को अप्लाई कर रही थी तब मेरे बाल काफी सारे निकले थे उसका मुझे डर लगने लगा था कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए तो मैंने इस कलर को फर्स्ट टाइम यूज किया है तो कोई जलन वलन नहीं हुई मुझे पता था कि इस लाइटिंग में बिल्कुल अच्छे नहीं लगने वाले ये बाल लेकिन धूप में देखो आई मीन ओ माई गॉड और ये मेरे नेल्स देखो मैंने अभी तक नेल पेंट नहीं लगाया नेल पेंट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत गंदे हो गए वैसे हाथ से सारा निकल गया है बट नेल्स दिस निसक सो ब्यूटीफुल बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है एंड एक पीछे की बात बताती हूँ सब मुझे घूर घूर के देख रहे हैं एक तो जनवरी का फर्स्ट दिन है और एकदम ठंड में एकदम फ्रॉक पहन के जा रही हूँ बाल हिला रही हूँ तो बट इसका कलर बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ है आपको कैसा लग रहा है कॉमेंट करके बताना और मैंने आज स्टाइल किया इसलिए है इसलिए अच्छे लग रहे हैं देखो नॉर्मल दिन पे कैसे लगता है सो so, अब मुझे अपनी वीडियो में स्टाइल करके आने पड़ करेंगे अपने बाल तब अच्छे लगेंगे आई गेस गये मैंने आईब्रो भी की थी पर आईब्रो पे इतना पता ही नहीं चल रहा यार पर बालों के साथ मैच कर रहे अगर ब्लैक होगी तो वियर लगेगी तो ये से इतनी पता नहीं चल रही बट बालों के साथ सही जा रही है ब्लैक बहुत वियर लगती सो so, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक टेक केयर हैप्पी न्यू ईयर मुझे पता है वीडियो लेट आएगी फिर भी हैप्पी न्यू हैप्पी न्यू ईयर बाय